हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए और मैं आपके साथ सब शेयर करूंगी। यहाँ से अभी निकले पहले ही लेट हो गया है इतना ज़्यादा। अब जब मैं यहाँ से निकलूँगी, मैं अभी जम्मू में हूँ, अब मुझे यहाँ से निकलना है और रात भी हो जाएगी। थोड़ा बहुत शेयर करूँगी क्योंकि रात को उतना ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। निकलती हूँ मैं यहाँ से, फिर पता चलता है आगे आगे सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। तो जब तो गाइज अभी हम पहुंचे सतवारी। ये देखो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं और मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी, लेकिन शाम क्या पता हो जाए वो मैं नहीं बता। सतवारी से थोड़ा सा आगे पहुंचे, फ्लाईओवर अभी स्टार्ट हो रहा है। कितना अच्छा फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ पे। तो हम जब यहाँ पे होते थे, ये रोड भी प्लेन अच्छी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था गाड़ियों का झुंड भी बहुत ज़्यादा होता था। अभी फ्लाई ओवर आगे आगे मैं दिखाऊंगी आपके साथ, सारा शेयर करूंगी। अभी हम पहुंचे हैं यहाँ, बहुत ही आगे आ गए हैं हम। जगह जगह का, एक एक जगह जगह का नाम तो उतना पता नहीं है। ये देखें, सतवारी से स्टार्ट हुआ था फ्लाई ओवर और अब भी हम पहुंच गए हैं आगे परमंडल मोड़। यहाँ पे ये फ्लाई ओवर वैसा ही बन रहा है, ये मशीनें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं खुद ही कितना बड़ा फ्लाई ओवर सच्ची में बन रहा है। मुझे जहाँ तक लग रहा है बहुत आगे हम पहुंच गए। ये देखें आप, वाव, यहाँ पे ना अभी तक हमने क्रॉस कर लिया, अभी हम सांबा पहुंचने वाले हैं और ये फ्लाईओवर अभी तक ही बन रहा है। वाव, क्या मजा है इस फ्लाईओवर का, मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये कहाँ तक बन रहा है। बीच बीच में आपके साथ शेयर करती रहूंगी। अब भी हम पहुंचे यहाँ पे, ये एम्स बन रहा है जो जम्मू का सबसे बड़ा है हॉस्पिटल, यहाँ पे बन रहा है, मैंने अभी तक नहीं देखा था। तो अभी ये देख लीजिए आप, और हम चल रहे हैं अभी और यहाँ पे ना ये छोटे छोटे पिलर दिख रहे हैं, लगता है यहीं पे खत्म हो जाएगा ये फ्लाईओवर। ये देखें, और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, आगे की तरफ जाएंगे हम। ये हम पहुंच गए अभी सांबा से आगे, बहुत ज़्यादा आगे। मुझे जगह 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 का नाम पता नहीं है। अभी फिर से फ्लाईओवर शुरू हो गया तो मैं सोच रही हूँ ख़त्म हो जाएगा। ये देखें गाइस, यहाँ का बाजार, कुछ इस तरह की रोड भी उखाड़ी हुई है, ऐसा कुछ अजीब सा लग रहा है देखे, लेकिन जब ये बनेगा ना बहुत ही अच्छा बनेगा। थैंक गॉड अभी हमें गाड़ी मिली 2 घंटे के बाद। यहाँ पठानकोट से हमें ये बस मिल गई, शुक्र है ऊपर वाले का। और हम निकले भी थे जो 5 बजे वहाँ से, जम्मू से जो 5 बजे निकले थे, उस हिसाब से लग ही नहीं रहा था कि गाड़ी मिलेगी हमें और हम जा पाएंगे, पहुँचेंगे हम धर्मशाला में, वहाँ हम सुबह मैच देख सकेंगे। कुछ भी नहीं था ऐसा। तो मैं अभी अंधेरे में गाड़ी मिल गई, तो अभी हम निकलते हैं। तो गाइज अभी हम बैठे यहाँ पे छतड़ी पहुंचे, यहाँ पे हमने खाना खाना है। अभी पूरी बस यहाँ पे रोक दी और सारे उतर के यहाँ पे खाना खाने लगे। तो अभी अगर कुछ देंगे, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, ये मुझे मिर्चियों पे बहुत ज़्यादा ललचाते हैं। जब भी देखो मिर्चियाँ दिखा दिखा के, क्योंकि मैं खाती हूँ और ये साइड कर देते हैं, कुछ भी हो तभी ये साइड कर देते हैं ऐसे। अब मैं शेयर करूंगी आपके साथ ज़रा खाना हमें क्या मिलता है, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखो गाइस अभी का खाना, अचार है, सब्जी है, चपाती है, चावल है, दाल है, और ये कढ़ी होती है, कढ़ी देखो। तो यहाँ पे हमने छतरी में अभी खाना खा लिया है, ये देखें आप, यहाँ पे इस होटल में हमने खाना खाया। अभी अंधेरा इतना ज़्यादा है ना, कहने की बात नहीं। और मैं सामने से आ गई होटल के, मैंने बोला मैं थोड़ा सा शेयर करूँगी आपके साथ अभी जहाँ पे हमने खाना खाया। ये हमारी बस लगी हुई है, ये देखें इतना ज़्यादा अंधेरा है ना, इतना ही कुछ दिखा सकूँगी ज़्यादा, और इधर उधर कुछ दिखेगा भी नहीं।
तो यहाँ से अभी हम निकलते हैं और थोड़ा थोड़ा शेयर कर पाऊंगी। इन्होंने ऑनलाइन भी बुक किया हुआ है रूम, अब पता चलेगा वो कैसा होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऑनलाइन वाला धर्मशाला में इस टाइम मैच के टाइम कैसा रूम मिलता है, तो इसीलिए मैं आप मेरे साथ बने रहिएगा। और ये मेरे कप्तान साहब तो आ ही गए, अभी निकलते हैं यहाँ से हम। तो गाइज मैं आपके साथ थोड़ा बहुत ही शेयर कर पाऊंगी क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया है। आप मेरे साथ, मैंने वही बोला बने रहिएगा, मैं देखती हूँ कहाँ तक कैसे, मतलब पहली बार मैं इस साइड में आई हूँ। ये देखो पूरी बस भरी हुई है, चलते हैं आस्ता आस्ता। तो करूंगी मैं आपके साथ शेयर आगे भी, अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। रात का सफर भी है और स्पेशली अपने बंदे के साथ जब आप चलते होते हो ना, कुछ भी हो, रात हो दिन हो, नहीं पता चलता है। चलेगा पता, अभी हमें रूम मिलेगा तभी, क्योंकि 11:30 शायद हो ही। बारिश भी हो रही है, बड़ी ज्यादा बारिश हो रही है, देखो गाड़ी पे दिख रही है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। सुनसान जैसा रोड लग रहा है, जम्मू से आगे मैंने पहली बार देखा ऐसा वाला रोड। मेरे हस्बैंड ने ना शूज पहने हैं जैसे बटलर के शूज हैं, ऐसे लगाए हैं, और इसी खुशी में ये जा रहे हैं। बटलर को ही देखना होता है इनको, इनको बटलर ही बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। और मुझे तो पहले से ही मैंने बोला मैं बांग्लादेश की सपोर्ट में जा रही हूँ। ये देखो आप कितना मतलब अंधेरा है और पेड़ ही पेड़ है, अभी अंधेरे में दिखेंगे भी नहीं। मैंने बोला ना ऐसे लग रहा है कि ये होता ना, ना ये हाईवे है, ना ये 4-वे है, ना ये कुछ इसका पता नहीं चलता है, ऐसे जंगल ही जंगल है। और बारिश भी बड़ी ज्यादा हो रही है, अभी हम पहुंचने भी चाहिए कहीं। गाइस सच्ची बोल रही हूँ, मुझे डर भी तो लग रहा है अभी। ये देखें आप, नहीं देखो गाइस ऐसे लग रहा है जंगल ही जंगल है। अगर यहाँ पे ऐसी क्यों स्लीपर चल रही है, ये जैसे लग रहा है रिंग रोड है ना, है इस पे स्लीपर चल रही है। देखो गाइस मैं जो पीछे बोल रही थी कि जंगल है, सही में जंगल है। उसे देखो, मैंने पहली बार देखा जम्मू कश्मीर से आगे निकलते हुए ऐसा वाला जंगल, क्योंकि आई नहीं हूँ कभी इस साइड में। आज ये हमने अभी होटल की है, जी था और हमें रूम मिला। देखो गाइस यहाँ पे हमें तो गाइस अभी हम रूम में पहुंचे, ये हमने रूम किया, ये देखो आप, देखो यहाँ पे, और ये वॉशरूम अलमीरा भी है, सब कुछ है। ये देखो गाइस मैंने बैग ऐसे फेंका ना क्योंकि ब्लैकआउट हो गई है, और मेरे कप्तान लगे हुए हैं, ये इन उनको टीवी का शौक होता है देखना। ये देखो यहाँ पे गाइस जो ये मेरी हालत हुई है ना, ये देख सकते हैं, ये ना दुपट्टा सिर पे रहता है ना कुछ। यहाँ पे देखो यहाँ पे आए हम, और ये टीवी के मगर लगे हुए कप्तान। ये देखो अभी टाइम हो रहा है कितना, ये मैं आपको बोल दूंगी कितना टाइम हो रहा है अभी। 12 बजे हम बस स्टैंड पहुंचे और 12:30 बजे हम अभी यहाँ रूम में पहुंचे। और ये अलमीरा है, ये बिस्तर भी इसमें ढूंढ रहे हैं क्या है क्या नहीं है। और अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, सुबह हम निकलते हैं, हमने जाना है मैजिन और इन्होंने जाना है बटलर को देखने, मुझे जाना है साकिब उल हसन को देखने। इसलिए अब हमें भी अलग अलग टीम में, मुझे वैसे भी सिस्टर बोल रही थी कि अलग अलग टीम में रहना, एक एक टीम में एक दूसरी टीम में, तो शायद से वही हो रहा है। इनको बटलर अच्छा लग रहा है और मुझे साकिब उल हसन अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं, अब मैं करती हूँ यहाँ पे व्लॉग का एंड। रास्ते से थोड़ा दिखाया क्योंकि अंधेरा था, बहुत ज्यादा दिखा नहीं पाई। अब मैं यहाँ पे करती हूँ व्लॉग का एंड, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, मैं कल मिलूंगी धर्मशाला ग्राउंड में, मैं कल मिलूंगी बटलर के साथ और साकिब उल हसन के साथ और तस्कीन के साथ और सैम करन के साथ, मैं मिलती हूँ कल।
ये देखो गाइस, ये मेरा बैग है। ये बैग मेरे कप्तान को थोड़ा ही लगता है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। ये देखो, और जो स्पेशली ये ब्रीफ केस है, ये स्पेशली इस ब्रीफ केस आपके साथ बहुत प्यार करते हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने बोला आपके पास नहीं कहीं नहीं जाने वाला। अभी भी थोड़ी सी बारिश इस पे पड़ी और ये सफाई में लग गए लग। चलो गाइस, मैं करती हूँ यहाँ पे आप व्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। बाय बाय।